हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल जिंदगी जूम। फ्रेंड्स, वेस्लिन ने अभी लॉन्च की है एक आइसक्रीम, खाने वाली नहीं, यह है बॉडी आइसक्रीम। और आज मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। कैसी है ये आइसक्रीम, क्या ये आपको लेनी चाहिए या फिर नहीं लेनी चाहिए, तो इस वीडियो में आपको इसकी सारी डिटेल मिल जाएगी। तो प्रोडक्ट मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है वेस्लिन की न्यू लॉन्च बॉडी आइसक्रीम। तो गाइज, अब बात करते हैं इसके पैकेजिंग की। तो पैकेजिंग बहुत ही कमाल की है, मतलब इसका जो कलर है ना, लाइट ब्लू कलर, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। साथ ही यहां पर आप देख सकते हो स्नो बना हुआ है, तो कंटेनर देख के ही आपको कूलिंग सेंसेशन फील होने लगेगा। मुझे तो ऐसा ही लगा था इस कंटेनर को देखने के बाद। तो अब इसमें यहां पर आपको सारी डिटेल वगैरह देखने को मिल जाएगी, जहां लिखा हुआ है बॉडी आइसक्रीम जेल क्रीम, इंस्टेंट कूलिंग कीप्स योर स्किन फ्रेश एंड हाइड्रेट। तो ये सारी चीजें यहां पर है। और अब हम लोग बात करते हैं अगर इसके एमआरपी की। फ्रेंड्स, तो 165 का ग्राम का जो ये प्रोडक्ट है आपको 225 रुपए में मिल जाएगा, लेकिन ये सेल में और भी कम रेट में अवेलेबल है। मुझे ये 180 रुपीज में मिला था। तो आप ऑनलाइन देख सकते हैं, जहां पर भी आपको अच्छी डील मिले आप वहां से इसे ले सकते हैं। और अगर हम लोग इसके सेल्फ लाइफ की बात करें तो 2 साल की इसकी सेल्फ लाइफ है। तो अगर हम लोग इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो इसकी सारी डिटेल भी इसमें दी हुई है। इसमें है हाइलोरोनिक एसिड और साथ ही साथ है विटामिन ई और सी। तो ये सारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं, तो इसके इंग्रेडिएंट्स भी बहुत ही अच्छा है। तो गाइज, अब इसे मैं लगाकर आपको दिखा देती हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो इसका कलर है वो बिल्कुल लाइट ब्लू कलर है, जेल बेस है ये। आप देख सकते हो इसका टेक्सचर जो है बहुत ही अच्छा है, क्रीमी सा टेक्सचर है। स्किन पे लगाने के बाद ये बहुत अच्छे से स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाता है, और लगाते ही इससे आपको कूलिंग सेंसेशन मिलता है, जो कि काफी थोड़े टाइम के लिए होता है, लेकिन अच्छी फीलिंग आती है इसे लगाने के बाद। इसकी जो फ्रेग्रेंस है काफी माइल्ड है और बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है इसकी, जो कि आपके माइंड पे क्लिक करती है और आपके माइंड को फील कराती है एकदम सा रिफ्रेश। तो इसकी फ्रेग्रेंस मुझे तो काफी अच्छी लगी, और आप देख सकते हो कुछ ही सेकंड में ये अच्छे से आपकी स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, और किन लोगों के लिए ये वाला प्रोडक्ट अच्छा है। तो जिनकी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है उनके लिए ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, एक्सट्रीमली ड्राई स्किन के लिए ये प्रोडक्ट सूटेबल नहीं है। तो अगर आपकी स्किन एक्सट्रीमली ड्राई है तो आप इसे ना ही लें तो अच्छा है, क्योंकि अगर आप इसे लेते हैं तो इसे लगाने के बाद आपको और भी मॉइस्चराइजर अप्लाई करने की जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट, अगर हम लोग इसकी फ्रेग्रेंस की बात करें तो इसकी फ्रेग्रेंस कमाल की है, माइल्ड फ्रेग्रेंस है, जो कि आपके दिमाग पे किक करती है और उससे काफी रिलैक्स फील होता है आपको। तो फ्रेंड्स, क्रीम का जो फॉर्मूला है बहुत ही लाइट वेटेड फॉर्मूला है, अच्छे से स्किन पे एब्जॉर्ब हो जाती है ये क्रीम, और कहीं से भी स्टिकनेस नहीं होती है इसे लगाने के बाद, मतलब वो चिपचिपापन होता है वो बिल्कुल भी आपको महसूस नहीं होगा। साथ ही साथ ये स्किन को बहुत ही ज्यादा स्मूथ कर देती है और हाइड्रेट तो रखती ही है। तो मुझे वैसे वैसलीन के प्रोडक्ट्स काफी अच्छे लगते हैं, खासकर बॉडी लोशन वगैरह वैसलीन के अच्छे होते हैं। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप एक बार इस क्रीम को जरूर ट्राई करके देखें, बहुत ही अच्छी है। साथ साथ अगर आप वैसे वेदर में रहते हैं जहां बहुत ही ज्यादा ह्यूमिडिटी है, तो फिर ये आपके लिए बहुत ही अच्छी क्रीम होगी, अफोर्डेबल है, इसलिए इसे एक बार तो खरीद ही सकते हैं। तो यही था गाइज मेरा ये छोटा सा रिव्यू इस बॉडी आइसक्रीम के लिए, और मुझे ये काफी पसंद आई। आप चाहो तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, इससे लेने के बाद आपके पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होंगे। मिलती हूँ गाइज फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में बस इतना ही।